महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे। मौलाना मौलवी फतवे से थोड़ी देश चलता है, देश जो बहिष्कार कर दिया इनको अपने सामान से। ओवैसी जी, आप अपने शब्दों को थोड़ा सा संभाल के यूज कीजिएगा। क्या मस्जिद में महिला को जाना अधिकार है उसमें? नहीं, अधिकार तो नहीं है, इसलिए तो मुस्लिम महिलाएं अभी मंदिर के रूप मंदिर जा रही हैं। दिल में कितना खुशी है? बहुत खुशी है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बस राम जी के पास जाके वो दर्शाना है मुझे। 1600 किलोमीटर से शबनम शेख जी मुंबई से चलकर अयोध्या चलने वाली थी, आने वाली थी, अब अयोध्या में पहुंच चुकी है और प्रभु श्री राम का दर्शन कुछ ही क्षणों में हो जाएगा। और ठीक हमारे सामने देख सकते हैं, हमारे सुशील भैया भी साथ में है, दो दिन से लगातार शबनम शेख के साथ चल रहे हैं। और शबनम शेख के साथ में रास्ते में क्या कुछ कठिनाइयां हुई है, तमाम विपदाएं आई हैं, उन सब चीजों पे बातचीत करने का मैं प्रयास करूंगा। फिलहाल मेरे सामने देख सकते हैं सुशील भैया जी, आप कब से हैं शबनम जी के साथ में? देखिए, अयोध्या के सीमा पर जब ये आई और मुझे पता चला जी कि मुंबई की एक लड़की लगातार पदयात्रा करते हुए, पैदल चलते हुए अयोध्या की धरती पर आई है। शबनम के साथ जो महिलाएं अभद्रता किया है, उन लोगों के घर बुलडोजर कब चल रहा है, क्योंकि आप भी बीजेपी से हैं। देखिए, महिला है, हम सम्मान है किसी भी धर्म की महिला हो, तो बुलडोजर की जरूरत जब पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। फिर भी जिस प्रकार उन्होंने, चूंकि उनके साथ कुछ युवक भी थे तो उनके उत्साह में आकर उन्होंने ऐसा किया था, उनके ऊपर न्याय उचित कार्रवाई हुई है। आगे जो ये छीटा कसी कमेंटबाजी और तमाम चीजें कर रहे हैं, उनके लिए मेरी खुली चुनौती है कि बाबा बुलडोजर की सरकार है, कुछ इस और महंत योगी आदित्यनाथ जी की कृपा इस शेरनी पे है, ठीक है ना? तो ये दो दो शेर लग चल रही है, एक चीता और एक बाघ, ये सब सनातनी चीज ये देख सकते हैं, शुभम है और चीता है और शेरनी है, एक शेर कहाँ गायब है? सब है, सब सभी शेर है और महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं बिना मतलब अपने घर पे अगर बुलडोजर चलवाना चाहे तो कमेंट करें, और जो उलेमा मौलाना मौलवी फतवे से थोड़ी देश चलता है, देश जो बहिष्कार कर दिया इनको अपने समाज से। कोई बहिष्कार नहीं, 140 करोड़ का देश इनको अपनी पलक नजरों पे बिठाए हुए है। मैं कहूँ तो संविधान के दायरे में रहते हुए और मंदिर बन रहा है और एक कहूँ तो निर्देश आया और लेकिन वहाँ पे एक इसी देश में एक बैरिस्टर साहब हैं, ऐसी साहब वो कह रहे हैं हम अगली पीढ़ियों तो के बताते रहूँगा कि वहाँ पे ज्ञान, वहाँ पे वो मंदिर था, मस्जिद था, उसके लिए क्या कहेंगी शबनम जी? देखिए ओवैसी जी, आप अपने शब्दों को थोड़ा सा संभाल के यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एक कहा जाता है ना कि मुस्कराइए हम लखनऊ में, तो आप मर्यादा में रहिए, हम अयोध्या। आप ये बताइए, आप अभी 41वां दिन है और कितना किलोमीटर चल चुकी है? मेरा 440 किलोमीटर हो चुका है, 1440 किलोमीटर चल चुकी है और 41वां दिन है, अब अयोध्या नगरी में आ चुकी है शबनम, अब कुछ ही क्षण बचा है और प्रभु श्री राम का दर्शन करने में। आप लोग लाइव देख सकते हैं, हमारे साथ शबनम जी जुड़ी हुई है, हर एक सवाल होगा क्या कठिनाइयां हुई है रास्ते में, क्या क्या दिक्कतें हुआ है। और देखिए 1400 किलोमीटर चल चुकी, लेकिन इनके चेहरे पे देखिए वो रौनक है, वो मुस्कुराहट है कहीं ना कहीं जी। पहले हम लोग नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब नारा बदल लिए। ये देश के सनातनियों का संकल्प था, उस संकल्प को देश में महान संत, प्रधानमंत्री तो ठीक है लेकिन एक महान संत भी है, महामानव है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संत है, नेता है, पहले और मैं बता रहा हूँ संत है वो, पहले संत है बाद में प्रधानमंत्री है। क्या नारा बदल दिया आपने? महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं शबनम जी कह रही महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे। फिलहाल अभी तो राम का दर्शन करने जा रही है, इनसे बहुत कुछ बात करना है कम समय में, और ये थकी हुई है, थकी है कि नहीं थकी है? बिल्कुल थक गई हूँ, धूप है, बहुत बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ, मेरा गला काम नहीं कर रहा है, गला काम नहीं कर रहा है। तो जो रात में महिलाएं आपके साथ मुस्लिम महिलाएं आई, आप एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम होके मुस्लिम महिलाएं आपके साथ क्या 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 कुछ बोला था उस समय? बहुत उल्टा उल्टा बोला था, मतलब
बोल रहे थे तुझे शर्म नहीं आ रही है ये सब कर रही है, इस्लाम को बदनाम कर रही है, तुझे नहीं जाना चाहिए, हिंदू लड़कों के साथ घूम रही है, तो तू सेफ नहीं है, वो लोग तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे ऐसे तू जहन्नुम में जाएगी मरने के बाद, ऐसे ऐसे वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, हाँ ऐसे आप जहन्नुम में जाएंगे, हाँ वो लोग जन्नत में जाएंगे, हाँ ऐसे बोल रहे थे। तो आप लगभग 40 दिन हो गया हिंदू लड़कों के साथ चल रही हैं, कितना सेफ है? बहुत सेफ हूँ मैं। देश की नहीं विदेशों की जो मुस्लिम महिलाएं उसको क्या संदेश देंगी कि एक हिंदू लड़कों के साथ रहना, हिंदू परिवार में रहना, उनके साथ आना जाना ट्रेवल करना कितना सेफ होता है? बहुत सेफ होता है भाई। मैं 41 डेज से मैं अपने सनातनी दोस्तों के साथ हूँ, तो लोग मेरे साथ हमेशा थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे, और बहुत सेफ है। आप यकीन नहीं होता तो आप घूम के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। मैं तो लगभग 1 घंटे से हूँ आपके साथ में, और शुभम बीज देखिए इनके कदमों से कदमे मिला रहे हैं, और देखिए ये लोग भी जय श्री राम और रास्ते में हाईवे पे हाय वगैरह भी बोल रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये शबनम जी अब अयोध्या पहुंच चुकी हैं, कुछ ही क्षणों में अब प्रभु श्री राम का दर्शन करने वाली हैं, और देख सकते हैं रास्ते में जो भी हैं सनातनी हैं शबनम जी का स्वागत कर रहे हैं। शबनम जी के साथ एक सेल्फी लेने के लिए आतताई हैं, ये सोच रहे हैं कि एक सेल्फी हो जाए, देख सकते हैं साथ में हैं लोग, और शबनम जी के साथ में भैया हैं झंडा भी लिए। जय श्री राम। क्या कहेंगी शबनम जी पैदल? जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, हम लोग दिल्ली से आए हैं। इनके साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं नोक झोंक हुआ है, सब धर्म हमारे हिंदू बहन ही हैं, सब हम सब एक है, कह रही है मुस्लिम धर्म को बदनाम कर रही है, उन लोगों को क्या कहेंगी तमाम मुस्लिम महिलाएं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बदनाम कर रही है, राम सबके है, तो शबनम के भी है, सबके राम है, जय श्री राम। धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं, और लास्ट में जाते जाते शबनम जी से बातचीत करूंगा, दो शब्द ज्यादा नहीं। शबनम जी, जैसे हिंदू मंदिरों में महिलाओं को जाने में कोई पाबंदी नहीं है, तो आप मुस्लिम धर्म से आती हैं, तो क्या मस्जिद में महिला को जाना अधिकार है उसमें? नहीं, अधिकार तो नहीं है, इसलिए तो मुस्लिम महिलाएं अभी मंदिर के रूप मंदिर जा रही हैं, क्योंकि मस्जिदों में अलाउड नहीं है, तो मतलब क्या आप मुस्लिम महिलाएं मंदिर जाने लगी हैं? बिल्कुल जाने लगी है, और मैं एक शबनम निकली है, कल हजारों शबनम निकलेंगी, लाखों निकलेंगी, करोड़ों निकलेंगी। यानी एक शबनम के वजह से तमाम कहीं ना कहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा कि मुस्लिम धर्म पे? क्यों प्रभाव पड़ेगा भाई, कोई धर्म इतना कमजोर नहीं होता है कि कोई किसी भगवान को मानने से खत्म हो जाए। ऐसे तो आप देखोगे हिंदू लोग भी चर्च जाते हैं, दरगाह जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो क्या उससे हिंदू धर्म खतरे में आ गया? नहीं, जो जैसा है वैसा चलता रहेगा। तो आपका सपोर्ट किसने किसने किया है? बीजेपी वालों ने, बजरंग दल वालों ने, आरएसएस वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने मेरी खूब मदद की। तो आपको आइडिया कौन दिया था? शुभम ने दिया था, आपने दिया था कि चलना है हमको मंदिर प्रभु 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में? राम जी ने आइडिया दिया, दिल में उन्होंने, दिमाग में उन्होंने डाला। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे यूट्यूबर हैं, वो लोग आपके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप क्यों एक मुस्लिम लड़के को लेकर, हिंदू लड़के को लेकर चले, मुस्लिम लड़के के साथ क्यों नहीं गई हैं? कहीं ना क्योंकि मैं सेफ फील करती हूँ हिंदू लड़कों के साथ, हिंदू के साथ सेफ फील करती हैं। तो आप पहुँचने वाले हैं, प्रभु से क्या मांगेंगी? जय श्री राम। मैं वो प्रभु को बताऊंगी, मैं किसी के सामने नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो मेरी खुशी है। दिल में कितना खुशी है? बहुत खुशी है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बस राम जी के पास जाके वो दर्शाना है मुझे। तो देख सकते हैं शबनम जी हैं, बोल नहीं पा रही हैं, थकी हुई हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मैं इनसे जैसे ही प्रभु श्री राम का दर्शन कर लेती हैं तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप शबनम को देख रहे थे, ये मुंबई से चलकर अयोध्या पहुंच चुकी हैं, और देख सकते हैं हम लोग अयोध्या का बोर्ड है, अयोध्या में हूँ, और ये शबनम थी, शबनम अब पहुंच चुकी है अयोध्या, प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रही है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं एक मुस्लिम लड़की होके और प्रभु श्री राम का दर्शन कर रही है? जय हिंद, जय भारत।